तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग है। फिर से बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन देख के डरिए मत कि क्या क्या दे दिया है, पता नहीं चल रहा। सिर्फ इतना याद रखिए जेड बराबर आपको कुछ दिया रहेगा, उसके बाद कॉन्ट्रेंट्स या फिर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेंट्स लिख के कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, उसी को सॉल्व करके ग्राफ बनाना होता है। तो सबसे पहले अभी बताए थे क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसको लिखते हैं सॉल्व। याद रखिएगा ये 5 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी 1-2 नंबर में डाल देता है। यहाँ पे देखिए इफ, इसमें देखिए कितना समीकरण दिख रहा है, एक समीकरण दो समीकरण। ये तो बोले थे सब में रहता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है कि जो लाइन होगा वो क्या होगा, ग्राफ जो बनेगा वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बनेगा। तो इफ एक्स प्लस वाई जो है इक्वल टू 50 है तो इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब इसका क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे, क्या करते हैं बारी बारी से एक्स वाई, पहले क्या करते हैं एक्स बराबर जीरो पुट करते हैं, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे, यहाँ पे जीरो पुट कीजिए तो वाई बराबर क्या आ जाएगा 50, फिर वाई बराबर जीरो पुट कीजिए तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 50। मेरा कॉलम फर्स्ट तैयार है, अब सेकेंड वाला चलेंगे। इफ 3x plus y less than equal to 90, 3x plus y less than नहीं, सिर्फ equal to कितना 90, समीकरण दो। इसमें फिर से कॉलम बनाएंगे, x y का क्या करेंगे बारी बारी से, पहले x में जीरो करेंगे तो y कितना आता है, देखो x को जीरो करो तो y बराबर कितना आएगा 90, y बराबर जीरो करो तो ये तो जीरो हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 30। दो को कॉलम बन गया, अब हम इससे क्या बनाएंगे ग्राफ। देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश, 30-30 के अंतराल में पॉइंट ले लीजिए, 30, 60, 90 30, 60 और 90। देखो पहला वाला का इसका बनाएंगे अभी ग्राफ, इसका समीकरण एक का, x बराबर जीरो पे y बराबर कितना है 50, तो x बराबर जीरो y बराबर 50, 50 कहाँ आएगा 30 यहाँ है, 40 मान लो यहाँ होगा, 50 यहाँ होगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, x बराबर जीरो पे y बराबर 50, x बराबर 50 पे क्या है y बराबर 0, तो x बराबर 50 इसमें भी वैसे मान लीजिए 40, 50 का ही होगा 50, 0। अब देखिए दोनों को मिला के एक लाइन खींच दीजिए दोनों बिंदु से, अब इसका समीकरण लिख दीजिए, क्या था इसका समीकरण, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। देखिए अभी बताए थे अगर यहाँ पे लेस देन है तो क्या करेंगे, एरो का साइन नीचे की ओर, तो एरो दे देंगे, एक दो एरो नीचे की ओर, यही यहाँ पे सिर्फ रहता ना ग्रेटर देन, क्या रहता ग्रेटर देन, तो ये एरो ऐसे ना पढ़ के क्या होता ऐसे पढ़ता, तो ये लेस देन है तो एरो कैसे होगा नीचे की ओर। अब देखिए दूसरा समीकरण का ग्राफ, 3x plus y equal to 90, देखो x बराबर 0 तो y बराबर 90, x बराबर 0 y बराबर 90, यहाँ पे है 0, 90। दूसरा पॉइंट क्या है, x बराबर 30 पे y बराबर 0, x बराबर 30 यहाँ पे और y बराबर 0, 30, 0। अब देखो इन दोनों पॉइंट को मिला को एक मिला के एक लाइन खींचो, हो गया हमारा दो लाइन तैयार। तो इसका समीकरण क्या था इस लाइन का, 3x plus y less than equal to 90। देखो equal to है और less than है, क्या है less than, तो एरो का साइन किधर होगा नीचे की ओर। देखो इस लाइन में और दोनों लाइन में एरो का साइन जितना एरिया कॉमन आता है उसको पेंट करेंगे, तो देखो ना इस लाइन में अगर तुम देखेगा ना तो ये एरिया नहीं आएगा, ये वाला एरिया जो है ये छोटा सा ट्रायंगल जो दिख रहा है ये नहीं आएगा,
और इस वाला अगर तुम लाइन में देखेगा, ये वाला फर्स्ट वाला जो लाइन है उसमें ये एरिया नहीं आएगा, तो यानी कि हमारा कॉमन एरिया ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, एक कॉमन पॉइंट आया इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं, दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने आता है समीकरण एक और दो को सॉल्व करने पर, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, यही ये कैंसिल, माइनस 2x बराबर माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 गुना 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। x का वैल्यू किसी एक में पुट करेंगे y बराबर 30 आ जाएगा, यानी कि हमारा ये पॉइंट कितना है 20, 30, कितना हो गया। अब हमको देखिए मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने में क्या होता है, जो एरिया कॉमन आता है जो हम रंगते हैं उसी में से कोई वैसा बिंदु जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है वही होता है मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट आया है, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। मान लीजिए इसका ओ नाम है, इसका ए, इसका बी और इसका सी। तो देखिए एट ओ, एट ओ यानी कि ओरिजिन 0,0 पे जेड बराबर कितना हो जाएगा, कितना था जेड बराबर 4x प्लस वाई, तो 4x का मान भी 0, वाई का मान भी 0, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए एट पॉइंट ए, ए पे कौन सा बिंदु है, ए पे देखिए यहाँ पे 0,50, 0,50, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 4, x का मान कितना है 0 प्लस y का मान 50, यानी कि z बराबर आ जाएगा 50। और यहाँ पे देखिए एट b, b पे कौन सा बिंदु है, b पे यह देखिए 20,30, 20,30, z बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू x, x का मान 20 प्लस 30, जोड़िएगा z बराबर आ जाएगा 110। अब चलिए एट पॉइंट सी, सी पे कौन सा बिंदु है 30,0, 30,0, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा 30 गुना 4 प्लस 0, यानी कि जेड बराबर 120। आपसे पूछ क्या रहा था, मैक्सिमाइज, जेड को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ पे आप लिख देंगे Z इज नीचे में मैक्सिमाइज एट C, पॉइंट C पे जो कि 30,0 है, एंड Z max इज इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज इक्वल टू कितना 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये अगर आप पूरा करेंगे तो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा इसको साफ से बनाना है और स्केल की सहायता से बनाना है, साफ से एकदम, और लाइन प्रोसेस बाय प्रोसेस करना, पहले ये बना करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर इसके बाद ये। अगर ग्राफ पेज आपको मिलता है तो पहले ग्राफ पेज में ये बनाया और ये इसके साथ लिखे इसके नीचे। तो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको होमवर्क में बनाना है, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, आप होमवर्क में बनाइए और इसका आंसर क्या होगा, मिनिमाइज पॉइंट, किस पॉइंट पे मिनिमाइज होगा और उसका वैल्यू क्या होगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।